दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी MMRCA 2.0 सीरीज का ही एक हिस्सा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में खबरें आई थी कि MMRCA 2.0 प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और अब इंडियन गवर्नमेंट एक ही बार में सारे जेट्स ना खरीद कर छोटी छोटी क्वांटिटीज में छोटे छोटे बैचेस में फाइटर जेट्स खरीदेगी। लेकिन इस फैसले के बाद भी हमारी इस सीरीज़ की रेलेवेंस ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि बाकी के फाइटर जेट्स खरीदने के लिए भी इंडिया को बाकी के सभी फाइटर जेट ऑफर्स को इवेलुएट करना होगा और अभी भी ये चुनना बाकी है कि कौन से फाइटर जेट्स इंडियन गवर्नमेंट अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदने जा रही है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लॉकहीड मार्टिन द्वारा ऑफर किए जा रहे F-21 फाइटर जेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने इंडिया को एक नई ऑफरिंग दी है जिसमें वो अपना F-21 फाइटर जेट इंडिया को ऑफर कर रहा है। F-21 फाइटर जेट F-16 फाइटर जेट के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें F-16 फाइटर जेट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। यहाँ पर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो कहना था कि ये सिर्फ एक F-16 का एक नया ब्लॉक वेरियंट ही है, जिसे लॉकहीड मार्टिन एक नया नाम देकर इंडिया को बेचना चाहती है। अमेरिका के एयर स्पेस जाइंट कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने हाल ही में ये भी कहा था कि वो अपने F-21 फाइटर जेट को किसी भी और देश को नहीं बेचेगी अगर इंडिया 114 फाइटर प्लेन्स उनसे डायरेक्टली खरीदता है। इंडिया ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी जिसके अकॉर्डिंग वो 114 जेट्स $18 बिलियन की एस्टिमेटेड कॉस्ट पर खरीदने वाले थे, जिसके लिए लॉकहीड मार्टिन ने अपनी ये ऑफरिंग इंडिया को दी थी। इस डील में लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का FA-18, डसॉल्ट एविएशन का राफेल फाइटर जेट और यूरोफाइटर टाइफून और रशिया का MiG-35 और साब का ग्रिपन फाइटर जेट कम्पीट कर रहे थे। जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट अभी F-16 फाइटर जेट है जिसके ऊपर ये फाइटर जेट बेस्ड होने वाला है। लॉकहीड मार्टिन का ये कहना कि वो इस प्लेटफॉर्म और इस कॉन्फ़िगरेशन को किसी भी और देश को नहीं बेचेंगे, वो उनका कहने का ये तरीका है कि ये नया फाइटर जेट जो इंडिया को मिलने वाला है वो पाकिस्तान को बेचे गए फाइटर जेट से ज़्यादा एडवांस्ड और अलग है। इसके साथ ही लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं तो वो एक F-21 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में बनाएंगी, जो कि वो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर बनाएंगी, जिससे कि इंडिया में देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या F-21 फाइटर जेट F-16 से मिलता जुलता है। जब कंपनी से पूछा गया कि क्या F-21 लॉकहीड मार्टिन के F-16 ब्लॉक 70 कॉम्बैट जेट से सिमिलर है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल अनफेयर होगा क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। F-21 बहुत टर्म्स में F-16 से अलग है। F-21 का एयर फ्रेम, वेपन कैपेबिलिटी, इंजन मैट्रिक्स और अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन ऑप्शंस बहुत अलग हैं। उन्होंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि F-21 की सर्विस लाइफ के एयर फ्रेम की सर्विस लाइफ 12,000 घंटे है और वहीं F-16 ब्लॉक 17 की एयर फ्रेम सर्विस लाइफ 8,000 घंटे है। इसके साथ ही F-21 F-16 के मुकाबले 40% ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है और F-21 में इस्तेमाल किया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इंडिया के लिए यूनिकली डिवेल्प किया गया है। इसके साथ ही F-16 से F-21 ये बात में भी अलग है कि F-21 में एक एक्सटेंडेबल होज एंड रोग रिफ्यूलिंग प्रोब लगा हुआ है और वहीं F-16 में एक बूम डिलीवर्ड रिफ्यूलिंग फैसिलिटी लगी हुई है। इस मामले में भी F-21 F-16 से ज़्यादा अलग है। इसके साथ ही F-21 के कॉकपिट में एक बड़ी एरिया डिस्प्ले लगी हुई है और ये एक मॉडर्न कॉकपिट है और ये इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह डिस्प्ले कर सकता है। इसके साथ ही इस नए फाइटर जेट में एक लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा, जिससे पायलट्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट से आने वाले थ्रेट को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह डिटेक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ ही इसमें एक ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर अडैप्टर्स लगे होंगे, जिसके साथ ये 40% ज़्यादा एयर टू एयर वेपन्स कैरी कर पाएगा। जहाँ पर आपको बता दें कि F-21 का अभी तक कोई भी प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है और जो ऑफरिंग लॉकहीड मार्टिन इंडिया को कर रहा है वो सिर्फ एक पेपर पर है, यानी कि ये सिर्फ इसके स्पेसिफिकेशन सिर्फ पेपर पर लिखे हुए हैं और इसका असल ज़िंदगी में कोई भी अभी तक प्रोटोटाइप नहीं बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि क्या F-21 कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। कंपनी का कहना है कि ये फाइटर जेट
बाकी के सभी फाइटर जेट जो ऑफर किए जा रहे हैं उनके मुकाबले ये लाइफ साइकिल और ऑपरेशनल कॉस्ट में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कंपनी का कहना है कि जो F-21 फाइटर जेट इंडिया को ऑफर किया जा रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस में बाकी के एयरक्राफ्ट के मुकाबले 30-40% ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही उनका कहना है कि लॉकहीड मार्टिन के F-21 फाइटर जेट में जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं वो लॉकहीड मार्टिन के F-21 और F-35 फाइटर जेट से ली गई हैं। ये दोनों फाइटर जेट्स कंपनी के और दुनिया के इकलौते ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। F-21 में एक एडवांस्ड APJ-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार लगा हुआ है जिसकी डिटेक्शन रेंज पहले से मौजूद मैकेनिकली स्कैंड एरे रडार से डबल है और ये ज़्यादा टारगेट्स को ट्रैक और अटैक ज़्यादा प्रसीजन से कर सकता है। इसमें एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है जिसे कि इंडिया के लिए यूनिकली डेवलप किया गया है। ये सिस्टम इसे ग्राउंड और एयर थ्रेट्स के मुकाबले ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसमें एक लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा हुआ है जिससे कि पायलट को उसके तरफ आ रहे खतरे का पहले ही पता चल जाएगा और इसमें एक ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर अडैप्टर्स भी लगे होंगे जिसके साथ F-21 40% ज़्यादा एयर टू एयर वेपन्स कैरी कर पाएगा। दोस्तों अभी इस फाइटर जेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम आपको नहीं बता सकते कि इसकी इन डिटेल स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे क्योंकि अभी तक लॉकहीड मार्टिन ने इसका कोई भी प्रोटोटाइप नहीं बनाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।